हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ़ोन से अपनी आँखों को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन से आपकी आँखों को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? आप ज़्यादातर फ़ोन चलाती हो, आपको यदि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हो तो आपकी आँखों में भी दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है फ़ोन की ब्राइटनेस के कारण। तो फ्रेंड्स, फ़ोन की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा सफ़ेद होती है, तो उसके कारण आँखों में दर्द होने लगता है। फ्रेंड, ये मैंने खुद से महसूस किया है। तो फ्रेंड, मैं आप उसके बचाव के लिए आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को दबा लें। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में ये पहले से फीचर है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर से स्क्रॉल बार को खींचिए और यहाँ से देखिए ये आई वाला बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में आई प्रोटेक्शन। तो ये इसी के लिए होता है फ्रेंड, आई को सेव करने के लिए, यानी आपकी आँखों में दर्द ना हो। तो फ्रेंड, मैं जैसे ही इस पर टैप करता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन कुछ येलो कलर की हो गई है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो फ़ोन का फीचर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका मैं दूसरा रीज़न, दूसरा जो है इसका इस्तेमाल करने के लिए, मैं उसे भी आपको बता दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो। शायद आपके फ़ोन में अगर ये ना भी हो तो आप एक एप्लीकेशन की मदद से भी आप उसे कर सकते हैं। तो फिर मैं कौन सा एप्लीकेशन है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी फ़िलहाल इसे ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब मैं आपको एप्लीकेशन में ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का नाम है नाइट मोड। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर दूंगा और इस एप्लीकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको इसे ऑन करना है, ये ऑन का बटन है, इसे सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद में इसे नाइट मोड इनेबल कोने वाला ओपन है, इसे इनेबल कर सकते हो या फिर सबसे पहले आप इसे टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेस्टली, तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया, ये देखिए मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी पीली होने लगी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं ज़्यादा पीली करता हूँ तो मेरी आँखों में बिल्कुल भी ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो ये देखिए, अब मैं जैसे ही इसे सफ़ेद कर दूँगा तो ये आँखों पर थोड़ी रोशनी सी फेंकने लगता है, तो इस रोशनी से हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड, जैसे ही अगर आप किसी बंद कमरे में हो और अचानक से आपके सामने वाइट लाइट जला दी जाए तो आंखों में अचानक दर्द होने लग जाए और आप आंखें बंद कर लोगे। तो ठीक इसी कारण आपके मोबाइल में होता है। तो आप मोबाइल को, सबसे ज़्यादा मेरा मानना यह है कि आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर रखें, जैसे कि मैंने ऑटो ब्राइटनेस, ये देखिए मैंने अन ऑटो पर कहते हुए एकदम अचानक से तेज़ हो गई, और लेकिन आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली देखो बढ़ गई, यहाँ पे इसे देख सकते हो, मैं इसे कम ज़्यादा यहाँ से हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इसे ऑटो मोड पर रखता हूँ। कि ऑटो मोड पर रखने से क्या होता है, यदि हम दिन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगा ब्राइटनेस, अगर रात में इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ब्राइटनेस लो हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपनी आँखों को भी बचा सकते हैं। जैसा आपकी आँखों को ठीक लगे तो इसे ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, यानी कैंडी लाइट भी जला सकते हैं, इसे बल्ब लाइट यानी सूर्य लाइट भी जला सकते हैं, बल्ब लाइट जला सकते हैं और ये ट्यूब लाइट की जैसा भी इसे जला सकते हैं। अब इसे कम ज़्यादा करने के लिए इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इस तरीके से आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो क्योंकि जैसे आपकी आँखों को सही लगे। तो इस तरीके से आप इसे बढ़ा भी सकते हो। देखो स्क्रीन भी यहाँ से कम हो जाती है, स्क्रीन ये देखो स्क्रीन डिम। तो आप इसे अपने मोबाइल में टेस्ट करोगे तो आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन अभी मेरे मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है तो शायद आपको इस वीडियो में ना दिखे। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके फ़ोन की सेटिंग में नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबाए बेल आइकन को। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।